दोस्तों, अभी आप सभी समर स्लैम के मैच कार्ड को देख सकते हो, जहां पर 5 मैचेस WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जहां पर सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का मेन इवेंट के अंदर मैच होने वाला है। गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच होगा, रिया रिपली वर्सेस लिम मॉर्गन का मैच होने वाला है, बेली वर्सेज नाया जैक्स का मैच होने वाला है, और साथ ही साथ एलन नाइट वर्सेज लोगन पोल का भी US चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। वैसे दोस्तों, अभी फिलहाल और भी मैचेस इस समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए ऐड होने वाले हैं इस शो के लिए, लेकिन अभी जो फिलहाल जो 5 मैचेस है ये हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसके लिए आपकी हाइप कितनी है ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा। और स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर, और आज दोस्तों आप सभी के साथ बातें शेयर करने के लिए काफी सारी होने वाली है। ब्लड लाइन के अंदर एक नया मेंबर आने वाला है, और जो समर स्लैम के लिए ड्रू मैकइंटायर और CM Punk का मैच है ये भी दोस्तों ऑफिशियली अनाउंस होने ही वाला है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए, और डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करते हैं केविन ओन्स की मदर के बारे में, जहाँ पर दोस्तों केविन ओन्स ने ये चीज़ बताई थी कि उनकी मदर हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो स्मैकडाउन के शो के अंदर हमें देखने को मिले थे। लेकिन अभी दोस्तों केविन ओन्स ने उनकी मदर की ये पिक्चर डाली है, जहाँ पर उनके हाथ में केविन ओन्स की शर्ट भी है, जहाँ पर उस पर लिखा हुआ है जस्ट की फाइटिंग, और साथ ही साथ केविन ओन्स ने यहाँ पर मेंशन किया शी किक्ड आउट, और इसका मतलब है कि जो उनकी मदर है वो दोस्तों ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, और इसके ऊपर दोस्तों 80,000 से भी ज़्यादा जो लाइक्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ब्रैंडी रोड्स के बारे में, जहाँ पर स्मैकडाउन के एपिसोड में कोडी रोड्स और केविन ओन्स के ऊपर बुरी तरीके से आज ब्लड लाइन ने अटैक किया। तो उसके बाद दोस्तों ब्रैंडी रोड्स का हमें रिएक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर सिंपली उन्होंने ट्वीट करके मेंशन किया है कि जो उनके किचन के अंदर सबसे गंदी अप्लायंसेज है उसका नाम ब्लड लाइन है। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रैंडी रोड्स भी हमें इस स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व देखने को मिल रही है, लेकिन जो मिनी मैच है कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा का समर स्लैम के लिए, उसके लिए दोस्तों फैंस यहाँ पर अपनी जो हीटअप है उसको दोस्तों नेगेटिव तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर WWE कंपनी के अंदर शो कर रहे हैं, और इस मैच को दोस्तों सिर्फ रोमन रेंस ही बचा सकते हैं। अगर उनका मैच के अंदर रिटर्न होने वाला है तो दोस्तों फिर तो दोस्तों जो फैंस है वो इस चीज़ को हजम कर लेंगे कि समर स्लैम के अंदर उन्होंने कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा जैसा स्मैकडाउन जो लेवल का मैच है वो उन्होंने समर स्लैम के अंदर देख लिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के बारे में, जहां पर दोस्तों उसके अपडेट के अंदर हमें जो WWE के सुपरस्टार्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर कोडी रोड्स, रिया रिपली और रे मिस्टेरियो यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इनकी जो फोटोज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। अगर आप सभी ने इस गेम को खेला है इन सुपरस्टार्स के साथ तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ब्रोन ब्रेकर के बारे में, तो ब्रोन ब्रेकर भाई आने वाले टाइम के गोल्डबर्ग या फिर ब्रोक लेसनर लेवल के सुपरस्टार हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस, CM Punk और पोल हेमन के बारे में जो उनकी पॉजिटिव बातें हैं वो दोस्तों हम सभी फैंस के सामने रखी है। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि रोमन रेंस से काफ़ी ग्रेट मैन है, और इसी के साथ साथ पोल हेमन ने भी बैक स्टेज उनका खुली हाथों से उनका वेलकम किया। CM Punk के बारे में भी उन्होंने बात करी, जो बैक स्टेज दोस्तों जो माहौल है उसके बारे में ब्रोन ब्रेकर ने बताया, और आने वाले टाइम के अंदर ये भी बताया कि सभी मेरे लिए ये प्रे कर रहे हैं कि जो मेरा लेवल है WWE कंपनी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो, और मैं WWE कंपनी के अंदर काफी सारी चीजों को अचीव भी करूं। तो इस तरीके से दोस्तों ब्रोन ब्रेकर ने यह चीज बताई है कि रोमन रेंस, पॉल हेमन और CM Punk ने किस तरीके से उनकी हेल्प करी WWE कंपनी के मेन रोस्टर में आने के लिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जेका फाटू के बारे में, जहां पर दोस्तों 2 साल पहले जेका फाटू ने रोमन रेंस के बारे में ट्वीट करके ये लिखा था कि जो रियल थ्राइवल चीफ है वो हमारे रोमन रेंस ही है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें सुर्खियों में देखने को मिल रही थी। तो इसके बाद दोस्तों जेका फाटू ने अपने ट्वीट को यहाँ पर डिलीट कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसी रूमर्स भी आए थे कि जो जेका फाटू है वो शायद सोलो सिकोवा के ऊपर टर्न कर सकते हैं और वे रोमन रेंस की साइड में जा सकते हैं, शायद इसीलिए दोस्तों उन्होंने इस चीज़ को डिलीट किया है। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों जेका फाटू ने अपना जो ट्वीट है उसको डिलीट कर दिया, लेकिन दोस्तों जो फैंस है वो जेका फाटू में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है। और यहां पर दोस्तों अगर जेका फाटू सोलो सिकोवा की बजाय हमें ट्राइबल शीफ वाले ओरे के अंदर देखने को मिलेंगे तो दोस्तों जो फैंस है वो दोस्तों इस तरीके से जेका फाटू के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं समर स्लैम के सबसे बड़े मैच के बारे में, जो कि ये दोस्तों ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk के बीच में, और दोस्तों फैंस इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि समर स्लैम के अंदर ये मैच होने वाला है। तो दोस्तों अब दोस्तों ऐसी कुछ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पर दोस्तों रेसल वॉर्स ने भी इस चीज़ को बताया है कि समर स्लैम के लिए CM Punk और ड्रू मैकइंटायर का मैच हमें ऑफिशियली देखने को मिलने ही वाला है, और इस मैच के अंदर हमें सेथ रॉलिंस एज ए स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर देखने को मिलेंगे, और जो CM Punk है उनको दोस्तों
WWE के परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर भी देखा गया है। और अगर दोस्तों कोई सुपरस्टार परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि जो वो WWE की मेडिकल टीम है उनकी तरफ से उनको क्लियरेंस मिल गया है और अब वो रिंग के अंदर काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। तो समर स्लैम के अंदर हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk के बीच में एक धांसू मैच देखने को मिलने वाला है। और अगर ये मैच दोस्तों मेन इवेंट के अंदर होता है तो भाई साहब फिर भी फैंस को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करने वाले हैं और ये समर स्लैम के मेन इवेंट लेवल का मैच है। और अब दोस्तों इस चीज़ के अंदर सेथ रोलिंस भी इंक्लूड हो चुके हैं, जहां पर दोस्तों सेथ रोलिंस को ड्रू मैकइंटायर से भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ CM Punk से भी प्रॉब्लम है। तो WWE दोस्तों पूरा जो कनेक्शन है वो इस स्टोरी के अंदर दिखा रही है ड्रू मैकइंटायर, सेथ रोलिंस और CM Punk के बीच में। तो अब दोस्तों देखते हैं ये मैच हमें किस मंडे नाइट रो के अंदर ऑफिशियल अनाउंस होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब दोस्तों ये चीज़ क्लियर है कि समर स्लैम के अंदर हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस CM Punk का मैच देखने को मिलने ही वाला है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है यहाँ पर ब्लडलाइन के नए मेंबर से। तो दोस्तों जिनका नाम है हुकू लियो, तो दोस्तों इन्होंने WWE कंपनी के साथ जो साइन है वो कर लिया है और अब दोस्तों इनका भी WWE कंपनी के अंदर डेब्यू होने ही वाला है। हो सकता है कि इनका डेब्यू हमें रोमन रेंस के साथ ही देखने को मिल जाए या फिर स्मैकडाउन के किसी शो के ऊपर हमें रोमन रेंस इनको इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आए, जहां पर वो हुकू लियो को भी अपनी ब्लड लाइन के अंदर ज्वाइन कर ले। लेकिन जो ब्लड लाइन का नया मेंबर है हुकू लियो, वो भी हमें काफ़ी जल्द अब WWE कंपनी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये थी कुछ ऐसी अपडेट्स जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की लॉन्ग शॉर्ट वीडियोज देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।